हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप के बेस्ट अल्टरनेटिव्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप एक बहुत ही एडवांस इमेज मैनिपुलेशन टूल है जिससे आप किसी भी तरीके की इमेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि फ्री टूल नहीं है। इसको आपको बाय या परचेज करना पड़ता है या फिर आपको कुछ ना कुछ इसको यूज करने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। अगर आप किसी वजह से इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर बजट नहीं है या फिर आप एडोबी फोटोशॉप के जो सभी फीचर्स है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप फ्री अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको इस वीडियो में 3 बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव्स के बारे में बताऊंगा जो आपके काफी काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपको इमेज मैनिपुलेट करनी है, इमेज एडिटिंग करनी है और तरह तरह के डिजाइन आपको क्रिएट करने हैं, तो फोटोशॉप का सबसे पहला अल्टरनेटिव है गिम्प। जी हाँ दोस्तों, गिम्प को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, gimp.org। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो भी टूल्स मैं आपको यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। गिम्प एक बहुत ही अच्छा इमेज मैनिपुलेशन टूल है जो लगभग आपको फोटोशॉप की तरह ही नजर आएगा। यहां पर मैं गिम्प यूज भी कर रहा हूं और यूज करता भी हूं डिजाइनिंग में। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको उसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूं। आप देख सकते हैं, जब आप गिम्प को ओपन करेंगे तो आपके पास ऊपर वही फाइल एडिट सेलेक्ट व्यू इमेज लेयर्स कलर्स टूल्स फिल्टर्स विंडोज हेल्प यही सभी मेन्यू आएंगे लगभग जो आपको फोटोशॉप में मिलते हैं। ये टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, और ये आपको 4 कलर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। और राइट हैंड साइड में देखें तो ये लेयर्स का पैनल आपको मिल जाता है। गिम्प्स पर कैसे वर्क करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप हो सकता है मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लें जिसपे आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा गिम्प पर। तो एक फ्री टूल है, अगर आपने फोटोशॉप या फिर फोटोशॉप जैसे टूल्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं तो गिम्प भी आपको इजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके टूल्स भी लगभग वैसे ही है, तो इसको आप बहुत इजिली यूज कर सकते हैं। दूसरे टूल की बात करें तो दूसरे टूल है यहाँ पे क्रिटा, ठीक है, जो कि डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए जो बेहतरीन टूल है, जो फोटोशॉप किसी वजह से यूज नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए एकदम फ्री टूल है। आप देख सकते हैं, क्रिटा इज अ प्रोफेशनल फ्री एंड ओपन सोर्स पेंटिंग प्रोग्राम। इट इज मेड बाय आर्टिस्ट दैट वांट टू सी अफोर्डेबल आर्ट टूल फॉर एवरीवन। यानी कि आर्ट टूल है, इमेज मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ आप इन टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड तो नहीं किया हुआ है लेकिन यूज किया हुआ है, बहुत ही अच्छा टूल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, दोनों ही फ्री, गेम और क्रिटा, ठीक है। तीसरा एक टूल ऐसा है जिसको आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई टूल नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, सिस्टम में स्पेस नहीं है, सिर्फ इंटरनेट है, तो आप यूज कर सकते हैं फोटोपी, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है, डायरेक्ट आपको साइट विजिट करनी है, फोटोपी photopea photopea.com, और डायरेक्ट ये साइट विजिट करते ही ऑटोमेटिकली आपके सामने एक फोटोशॉप जैसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटोशॉप की तरह वर्क कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू कैनवास ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ जाती हैं, आप इनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट करके, कितना DPI आपको रखना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए या फिर वाइट चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशॉप की तरह यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया है और फोटोशॉप जैसा ही आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें इजिली वर्क कर सकते हैं, आपको कुछ भी डिजाइन करना हो, टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट टूल का यूज ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टेक्स्ट टूल यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, और इस तरीके से इसका फॉन्ट साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप इस टूल का यूज बखूबी कर सकते हैं, ठीक फोटोशॉप की तरह। तो गाइस, ये हैं 3 बेस्ट टूल जिन्हें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप फोटोशॉप किसी वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 3 टूल यूज दे सकते हैं, गिम्प, क्रिटा या फिर फोटोपी। इसमें से गिम्प पर कुछ मैं आपको वीडियोस बनाना सिखा दूंगा, कुछ जो ट्यूटोरियल्स हैं किस तरीके से इमेजेस, लोगोस, वेक्टर इमेजेस क्रिएट की जाती हैं, गिम्प से भी मैं आपको सिखा दूंगा। फोटोशॉप से तो ट्यूटोरियल आएंगे ही आएंगे, बाकी ये जो टूल है इनका आप यूज ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और कितनी यूजफुल है आपके लिए अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।